और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध से अलग एक बड़ी खबर आ रही है। क्रिकेटर शेन वॉन का निधन हो गया है। दुनिया के महानतम स्पिनर्स में से एक शेन वॉन का निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर रहे शेन वॉन का निधन इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर। शेन वॉन का निधन हो गया है। पूरी दुनिया में अपनी फिरकी से धमाल मचाने वाले शेन वॉन अब नहीं रहे। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आपको बता दें, शेन वॉन का निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर शेन वॉन, हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है। शेन वॉन, जिन्होंने 90 के दशक में पूरी दुनिया की पिचों पर अपनी स्पिन गेंदबाजी से, लेग स्पिन से बल्लेबाजों को नचाया, अब जिंदगी की जंग हार गए हैं और उनका निधन हो गया है। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करके ये दुखद जानकारी दी है। दुनिया के महानतम, सर्वकालिक महानतम गेंदबाजों में से एक शेन वॉन का निधन। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन नहीं रहे। भारत से शेन वॉन का गहरा नाता रहा। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और मेंटोर भी रहे। भारत लगातार उनका आना जाना लगा रहता था और शेन वॉन समय समय पर फिटनेस संबंधी समस्या से भी जूझते रहे थे। कभी वजन बढ़ने की समस्या को लेकर तो कभी ज्यादा शराब पीने की लत को लेकर के उनकी स्वास्थ्य समस्याएं बनी हुई थी और हार्ट अटैक से उनकी मौत की खबर आ रही है। उनका निधन हो गया है। इस वक्त की दुखद खबर आपको बता दें, क्रिकेट जगत में इस खबर से शोक की लहर दौड़ गई है। दुनिया के महानतम लेग स्पिनर माने जाते हैं शेन वॉन, जिन्होंने अपनी गेंदों से अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चकमा दिया लेकिन मौत को चकमा नहीं दे पाए। हार्ट अटैक से शेन वॉन का निधन। 90 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में टीम में उन्हें शामिल किया गया और धीरे धीरे शेन वॉन पूरी दुनिया में बल्लेबाजों के लिए एक खौफ का पर्याय बन गए। शेन वॉन, जो कि खेल की दुनिया में जितने सफल रहे उतना ही विवादों में भी रहते थे। सेहत को लेकर उनकी समस्याएं बार बार सुर्खियों में रहती थी और हार्ट अटैक की वजह से शेन वॉन का निधन इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, पूरी दुनिया में क्रिकेट फैंस में, संवाददाता किरण इस खबर पर हमारे साथ फोन पर जुड़ गई हैं। किरण, क्या जानकारी मिल रही है शेन वॉन के निधन से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, बहुत ही अचानक दुखद खबर है ये चंदन। उनकी जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने ये एक प्रेस रिलीज जारी कर ये शॉकिंग न्यूज दी है, जिसमें बताया गया है शेन वॉन अपने घर पे, अपने विला में पहले अनकॉन्शियस पाए गए, जिसके बाद डॉक्टर्स को वहां पर भेजा गया और ये डिक्लेयर किया गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। और अभी अभी ये खबर आई है, क्रिकेट के बहुत बड़े लेजेंड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ही नहीं पूरे वर्ल्ड कप, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं शेन वॉन। और 700 से ज्यादा टेस्ट विकेट उनके नाम थे, कई ऐसे रिकॉर्ड उनके नाम थे। उनको एक टाइम था चंदन जब कहा जाता था कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के बिल्कुल जादूगर हैं और ऐसे ऐसे स्पिनर के तौर पर वो उभरे जो एशियन कॉन्टिनेंट हो या कहीं पर, वो अपनी अपनी जादूगरी के लिए जाने जाते थे। और कौन भुला सकता है सचिन तेंदुलकर और शेन वॉन के वो किस्से जो बहुत लोकप्रिय थे, और यही वजह थी कि भारत में भी उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। बहुत शॉकिंग न्यूज है, अभी 12 घंटे पहले ही वो ब्रॉड मार्च के मरने की खबर पर दुख जता रहे थे और अभी अभी ये खबर आनी बहुत से लोगों के लिए मतलब विश्वास करना मुश्किल है चंदन, जिस तरीके से अचानक से खबर आई है। और कल की मैं बताऊं कि आखिरी ट्वीट जो है चंदन, 4 मार्च का सुबह 7:23 का ही ट्वीट है। आज सुबह उन्होंने भारतीय समय मुताबिक लास्ट ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था सैड टू हियर द न्यूज एट ब्रॉड मार्च हैज पास्ड जी। और उसके बाद हम अचानक से ये खबर सुन रहे हैं कि जब शेन वॉन का निधन हो गया है, बिल्कुल क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और वीरेंद्र सहवाग ने भी सामने आकर बिल्कुल, वीरेंद्र सहवाग ने जो ट्वीट किया है, किरण अपने दर्शकों को बता दें, कैन नॉट बिलीव इट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स, द मैन हु मेड स्पिन कूल, सुपरस्टार शेन वॉन इज नो मोर, लाइफ इज वेरी फ्रेजाइल बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फैदम, माई हार्ट फेल कंडोलेंसेज टू हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। शेन वॉन के निधन पर ये जानकारी देते हुए ट्वीट किया है
वीरेंद्र सहवाग ने, और यकीन करना मुश्किल है क्योंकि शेन वॉन काफी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते थे और एक कलरफुल पर्सनैलिटी के तौर पर शेन वॉन को याद किया जा सकता है, और वो ऐसे एम्बेसडर थे जिन्होंने पूरी दुनिया को क्रिकेट के जरिए अपने एंटरटेन किया, लेग स्पिन के आर्ट को एक नई दिशा दी। और किरण, अगर शेन वॉन को महानतम लेग स्पिनर कहा जाए तो कतई ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दुनिया की कोई भी पिच रही हो शेन वॉन की फिरकी से बचना मुश्किल था, और एक जबरदस्त एम्बेसडर थे वो स्पोर्ट्स के। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लेग स्पिनर, अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट के लेग स्पिनर के टॉप की बात करेंगे तो शेन वॉन टॉप मोस्ट में, वन ऑफ द टॉप मोस्ट में माने जाएंगे, और ये एक आर्ग्यूबली कह जा सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट थे वो, और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट नहीं वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी। और जिस तरीके से आपने बताया शख्सियत उनकी इस तरीके की थी, यही वजह थी किसी भी कंट्री में आप जाएं चंदन उनको बेहद प्यार मिलता था, बेहद रिस्पेक्ट मिलती थी। और भारत की तो अगर हम खास तौर पर बात करें तो भारत में भी खासे लोकप्रिय वो रहे हैं, और यही वजह है कि बहुत शॉकिंग ये न्यूज़ है। अभी जो इनिशियल राउंड ऑफ रिपोर्ट्स है वो ये बता रहे हैं कि जो आखिरी सांस उन्होंने वो थाईलैंड में ली है, और अभी इसके ऊपर डिटेल्स इनकी टीम जारी करेगी, लेकिन कही जा सकता है कि 52 ईयर्स की एज में उनका इस तरीके से जाना एक बहुत बड़ी क्षति है क्रिकेट जगत के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी क्षति है। और शेन वॉन ने अपने निधन से पहले आखिरी जो ट्वीट किया था वो हम आपको बता दें, जिसमें उन्होंने रॉड मार्श जो कि एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे उनके निधन पर शोक जताया था। लिखा था, सैड टू हियर द न्यूज दैट रॉड मार्श हैज पास्ड, ही वाज अ लेजेंड ऑफ आवर ग्रेट गेम एंड एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी यंग बॉयज एंड गर्ल्स। रॉड केयर डीपली अबाउट क्रिकेट एंड गेव सो मच स्पेशली टू ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड प्लेयर्स, सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू रॉस एंड द फैमिली, रेस्ट इन पीस मेट। तो उन्होंने एक शोक संदेश पढ़ा था, और शायद इसी को कहते हैं कि नियति काल जो होता है शायद उसे उसकी चाल को कोई भाप नहीं पाता। शेन वॉन ने रॉड मार्श के लिए उन्होंने ऑबिचुरी लिखी थी, और खुद अब उनके निधन पर लोग शोक जता रहे हैं। महज 52 साल की उम्र पे शेन वॉन का निधन हो गया है, और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका, खास तौर पर हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बहुत बड़ा सदमा है। ये दुनिया के महानतम लेग स्पिनर्स में से एक रहे, शेन वॉन नहीं रहे, महज 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज। और किरण, शेन वॉन के बारे में कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का वो महान कप्तान जिसे कप्तानी कभी नहीं मिली, अपनी स्ट्रैटेजी के लिए मशहूर थे, और उनके नेतृत्व की क्षमता हमने देखी थी आईपीएल में, जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स की एक बहुत ही अनुभवहीन टीम को उन्होंने एक दमदार टीम के तौर पर उभारा था। बिल्कुल, और यही वजह है कि हमारा भारत का जुड़ाव उनके साथ और ज्यादा बढ़ गया था। पहला एडिशन था वो आईपीएल का जिसके आपने जिक्र की, और राजस्थान रॉयल्स टीम को कहा जा रहा था कि वो शायद इतनी स्ट्रांग नहीं मिली थी, वहां शेन वॉन आए थे और टीम को जिता गए थे। अगर उनके करियर की बात की जाए चंदन, तो ऐसे कौन से रिकॉर्ड थे जो उनके नाम नहीं थे, 700 से ज्यादा विकेट उन्होंने टेस्ट में लिए हैं। तो हर पिच की अगर बात करें तो हर पिच पर जो है वो शेन वॉन स्पिन के जादूगर कहते थे उनको, स्पिन के जादूगर वो रहे। 708 विकेट 145 टेस्ट में उनके, 194 वनडे में 293 विकेट होना। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।